फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2024 काफी अच्छा रहा होगा। आप सभी के साथ जीके के 50 क्वेश्चन टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से आगे मैं शेयर कर रही हूं, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। आप सभी को क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराए थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1940 में। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन से संबंधित नहीं है बल्कि यह है लॉर्ड लिटन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चोल शासकों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा पंजाब में पाई जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिडकुल यानी कि राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे दिया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को। क्वेश्चन नंबर 13 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंद्याक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कामेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गरजता चालीसा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन दर का परिणाम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन परत क्षरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच किस वर्ष शुरू हुई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1995 से। अगला क्वेश्चन है, गीगाबाइट यानी कि 1 GB डाटा बराबर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1024 MB की। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, ऑप्शन सी, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैतेई। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है। तो ये अधिकार देखिए उच्च न्यायालय को भी है, उच्चतम न्यायालय को भी। तो बी और सी दोनों ही राइट होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई, यानी कि मालपा कौन से जिले में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एनईपी 2020 के अध्यक्ष हैं। तो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन एनईपी 2020 के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी से कल के पोस्ट में भी मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूस में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये शक्ति होती है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो ये कल वाली सीरीज में मैंने आपको कराया हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी वीणा वादन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अशोक ने। 43 है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है, हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो राइट आंसर है नाबार्ड। देखिए, नाबार्ड के रिगार्डिंग कई क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रुपए जारी किया गया है? तो देखिए, रुपए को जारी किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है पूछा जा रहा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि आयकर। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ जीके के रिगार्डिंग 50 क्वेश्चन इस सीरीज में मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी ने अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर लिए होंगे। नेक्स्ट सीरीज में और भी पार्ट को मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने जीके में कितना स्कोर गेन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।